आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस समय किसी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया होल्ड कर। हेलो, सलाम सलाम। शाबान बोल रहे इलाहाबाद से। हाँ बताइए शाबान भाई। वो है हमारे, हम ही से बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको देख लीजिए। वो इमाम अबू हनीफा की, अबू हनीफा की फतावा अलग सब पेश कर रहे हैं, लाइन पे ले रहा, लाइन पे है वो, उनके पास कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है उनका? अयूब अली अब्दुल्ला। मेरा नाम सुनते तो बड़े बड़े वादी बात। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये ना आपका कॉल होल्ड पर है, कर लीजिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मौलाना खैरियत से है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक आमी हूँ। पप्पू खान नाम है मेरा, यूपी इलाहाबाद में हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, आपका तारुफ क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, इन्होंने तो बोला कि आपका नाम अयूब है। नहीं नहीं, मेरा नाम अब्दुल्ला है जनाब। अच्छा अब्दुल्ला भाई, और सब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप माजा। अच्छा अच्छा, एक मिनट शाबान भाई। एक शाबान भाई, जी भाई, अपना फोन आप कर दीजिए म्यूट, आपके वहाँ से आवाजें बहुत आ रही है, म्यूट कर दीजिए अपना फोन। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ हेलो। हेलो जी, बताइए भाई। भाई हमारे लिए जो है कि भैंस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए हलाल किया, हम खा रहे हैं। आप लोग जो है सो कि अबू हनीफा की बात को नहीं मानते हैं, आप लोग वो कहाँ से लेके खा रहे हैं, इसकी वजाहत कीजिए लेना। मेरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अपना अल्लाह बना लिया है? नहीं नहीं, हम ना कि हमारे लिए भैंस जो हलाल किए वो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हलाल किए है। सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। तो आपने भी अपने इमाम को अपना रब बना लिया, उन्होंने जो कह दिया हलाल है वो हलाल है, जो कह दिया हराम है वो हराम है। हमारा बच्चा अब तक बात करा, हम जो है की रब नहीं बना लिए, हम जो है की आपको पूछ रहे हैं, हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हैं। हम लोग क्यों तकलीद कर रहे हैं मेरे भाई? तकलीद करना दीन इस्लाम में है ही नहीं ना। आपके अब जो बात करे उन्होंने हाई बोले ना, उन्होंने अल्लाह के रसूल की तकलीद करते है बोले। अल्लाह के रसूल की तकलीद नहीं होती, इत्तबा होती है। उन्होंने करते है बोले ना, उनको पूछो तुम, अब कॉन्फिडेंस में है ना उन्होंने। अब जो मेरे से बात करके आपको कॉन्फिडेंस में लगाए थे, उन्होंने बोले अल्लाह के रसूल की तकलीद करते है बोले, तकलीद का लफ्ज आया ना। हाँ, तकलीद का जो मेरे भाई लुगवी माना होता है वो होता है पैरवी करना, तो इस माने में हम अल्लाह के नबी की करते हैं पैरवी। लेकिन जो इस्तलाही माना होता है तकलीद का, वो होता है किसी भी गैरे नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम भाई तकलीद है। तो इस माने में हम किसी की भाई, हम कोई की भी भाई अंधी पैरवी नहीं करते हैं। नहीं भाई, आपके अजीब हो रहे ना, तकलीद का भैंस तो खाने का मसला है ना, तो भैंस आपको क्या, आपको भैंस खाने की मतलब चाहिए आपको दलील? जी हाँ जी हाँ। तो सीधा मसला बताइए ना, देखिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इत्मीनान से उसको सुनिएगा, पूरी बात जब भाई कंप्लीट हो जाए तब आपको जो पूछना होगा आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है? जी जनाब, मौलाना बोलिए। जी अरे भाई, मैं मौलाना नहीं हूँ, चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के अंदर आते हैं, इतने बड़े आदमी हैं, मौलाना नहीं तो कौन है आप? अच्छा चलिए ठीक है, आपको जो कहना है कहिए मेरे प्यारे भाई। मैं ये कह रहा हूँ मेरे को हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भैंस का हलाल किया, हम खा रहे हैं, आप इमाम अली बाबा को नहीं मान रहे हैं आप? अच्छा अच्छा जी मेरे भाई, हम आपको बता तो दें, अल्लाह के बंदे ले रहे हैं, भैंस का गोश्त खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं और बिरयानी पका रहे हैं, सब खा रहे हैं तुम लोग, और हमको जो जो तकलीफ बोल रहे हैं और तुम्हारे आदमी बोल रहे हैं तकलीफ, हम तकलीफ अल्लाह के रसूल की करते हैं बोले, फिर तकलीफ का लफ्ज़ तो आ गया ना। अयूब अब्दुल्ला भाई ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली, समझ ली आपकी बात, बिल्कुल मेरे भाई आपके हिसाब से जायज है, लेकिन सामने वाले को भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। आप जो कह रहे हैं हमने समझ लिया, आपके कहने का मतलब ये है कि आप लोग खुद तो मेरे भाई आराम से भैंस को खा रहे हो, उसको हलाल कर लिया है, उसके कोफ्ते बना रहे हो, कबाब बना रहे हो, नहारी खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, ठीक है सब कुछ खा रहे हो, और हमारे इमाम साहब को कहते हो कि उनको ना मानो, तो ये आपका सवाल है। यहाँ के अहले हदीस वाले क्या बोले, सऊदी अरब के अंदर एक भी भैंस नहीं था बोले, फिर आप लोग क्यों खा रहे हैं?
अच्छा अच्छा ठीक है मेरे भाई, वो पता नहीं किसने आपसे बोल दिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो समझा दीजिए, आप तकलीफ का लफ्ज भी आ गया, उन्होंने बोले मेरे को तकलीफ करते बोले, और सऊदी के अंदर भैंसा नहीं है बोल के यहाँ के लोग बोल रहे हैं, तुम लोग क्या क्या तो भी कर रहे हैं दिन के अंदर, तुम लोग सब अच्छे लोगों को जैसे कि वहाँ भी बना के खराब कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा मेरे भाई आप सुनेंगे नहीं क्या, कसम खा के आपने फोन किया है कि इन सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, अगर ऐसी बात है तो मेरे भाई समझा दीजिए मेरे को भैंस के बारे में कुरान हदीस से मेरे को समझा दीजिए। हाँ तो भैंस की दलील आपको दे रहे हैं कुरान हदीस से ना, आप दो मिनट में मौलाना दीजिए आप सुन लीजिए आराम से, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, भैंस इतना बड़ा मुद्दा नहीं अकीदे का, झगड़ा नहीं तो क्या है फिर हम लोगों से आपका हमेशा क्या है सो रहा आप मेरे भाई हो मेरे भाई, आपसे क्या झगड़ा करेंगे, वो भी एक भैंस के लिए जानवर के लिए, अरे जानवर जानवर ही रहेगा इंसान इंसान ही रहेगा। हम बोल दीजिए, हमको इतने कट्टरवादी थोड़ी ना है कि जानवर के लिए इंसान को मार दें, अरे भाई हमारे लिए तो इंसान पहले अफजल है ना, आतंकवादी के सरदा बन गए हमारे ऊपर हमला बिठा के बैठ गए, तुम लोग अच्छे अच्छे बच्चों को खराब कर रहे हैं, वो जो सभी बरेलियत को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, क्या समझ रहे तुम लोग आकर, नहीं बरेलवी नहीं खत्म कर रहे हैं, गुमराही खत्म हो रही है, अब अगर बरेलवी लोग गुमराह हैं तो वो भी खत्म हो रहे हैं। हाँ मेरे को बता दो भैंस का मसला बता दो। अरे तो सुनेंगे, देखिए एक ही बताइए, मसला समझने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, पहले आपको सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद समझना पड़ेगा, ना ही आप सुनने को तैयार हो ना ही आप समझने को तैयार हो। नहीं मौलाना मैं आपकी बात इज्जत करता हूँ आपकी बहुत, दो मैं सुनूंगा, तो इज्जत करते हैं तो अलग बंदे बोलने तो दीजिए, मैं इतनी देर से मतलब मैं जैसे जवाब देने की कोशिश करता हूँ वैसे आप बोलने लगते हैं, चलिए ठीक है। भैंस जो है भैंस ये सऊदी अरब में पाई नहीं जाती है, अरबी में भैंस को बोलते हैं जामुन, तुम यहाँ के लोगों के सरकार बोले। अरे हाँ सुन तो लीजिए अलग बंदे, जो भैंस जो जानवर है जो काले रंग की आजकल भैंस है, ठीक, वो जो जानवर है वो सऊदी अरब में भाई वो पाया ही नहीं जाता है, लेकिन अरबी में उसका नाम है जामुस, ठीक, तो जामुस जो है वो भाई सऊदी अरब में पाया भाई नहीं जाता, इसलिए जो उसका नाम है, नाम उसका मौजूद भाई वो नहीं है किताबो सुन्नत में, लेकिन जो उसकी असल है, असल मौजूद है, अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में फरमाता है कि जो तुम्हारे लिए पाक और भाई जो हलाल चीजें हैं तैयब चीजें हैं उनको खाओ, और जिन जानवरों के नाम हमने बता दिए उनको ना खाओ, ठीक, तो जो जामुस है भैंस है उसका तो मेरे भाई अल्फाजी नहीं है कि इसको ना खाओ, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं अबू दाऊद की हदीस है कि जो जानवर भाई वो दूध देने वाले हों, मवेशी हों, दांत उनके चपटे हों, खून खार ना हो, ऐसे जानवर को खाना हमारे लिए भाई वो जायज हलाल है, तो जो भैंस है जामुस है गधा भी होता घोड़ा भी होता, अभी तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, वो भी हम आपको बता रहे हैं ना, आप परेशान इतना क्यों है। हाँ बोलिए बोलिए जनाब, अभी भाई अभी जो बात चल रही है भैंस पे चल रही है ना, गधे भी आपको बता देंगे जो जैबरा होता है, ठीक है, हाँ जैबरे को भी मेरे भाई खाना जायज है, लेकिन वो आप खा नहीं सकते क्योंकि जैबरा अगर आप मारेंगे ना तो आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, ठीक, तो अभी हम जैबरे पे जंगली घोड़े पे बाद में आएंगे, हम नहीं खाते जैबरा, जैबरा कुछ भी नहीं खाते, हम सारी चीजें खाते यहाँ पर, आप चार खाओ या 40 खाओ, आपके खाने पीने के मेरे भाई आपके खाने पीने के जो आपका भाई वो मीनू है उसके साथ से दिन थोड़ी ना चलेगा, आप चार चीज खाओ या एक को ना खाओ, आप रोजा रखो, आप कोई हुज्जत नहीं हो दीन इस्लाम में, बात टॉपिक से दूर में भागना, तुम मेरे को भैंस के बारे में बता दीजिए, तो अल्लाह के बंदे मैं भैंसी पे था तो आपने बीच में डाल दिया गधा घोड़ा कुत्ता ये सब बीच में लाने की क्या जरूरत थी आपको, क्यों बोले तो आप बोल रहे ना मौलाना, आप चपड़े दांत रहे थे बोले तो गधे के भी चपटे दांत रहे थे घोड़े के भी चपटे दांत रहे थे, बोलकर मैं बोल रहा हूँ हमारे यहाँ पर घोड़ा गधा कुछ भी नहीं खाया जाता, गधे का दूध पीते हैं आप, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम, तो फिर जब पूरी बात मेरी सुनेंगे नहीं तो आधे में आप अटक जाएंगे ना, जो भैंस है वो गाय की जींस में से है, यानी कि उसकी भाई जो पाई जाती हिंदुस्तान में नस्ल उनकी नस्लों में से है, जो भैंस है वो गाय है ये एक समान है, इनमें काफी मतलब भाई वो हद तक भाई इंसानियत है समानताएं हैं, दोनों के मतलब जो वो दोनों के दांत हैं वो भाई चपटे हैं, दोनों का जो दूध है भाई वो पाक है तैयब है हलाल है, दोनों खून खार जानवर नहीं है, दोनों के मतलब जो दांत हैं वो उसकी तरह नहीं है जो होते हैं, मतलब भाई वो नुकीले दांत दरिंदों वाले
दोनों के दांत एकदम भाई अच्छे हैं, ठीक, दोनों घास फूस खाते हैं, वो ऐसे जानवर हैं जो मांस नहीं खाते, चीड़फाड़ नहीं करते। तो इस कयास के हिसाब से अल्लाह के नबी की जो मेरे भाई हदीस है उसके जो उसूल हैं, हम उसूल की बुनियाद पे बहस खाते हैं, लेकिन आप इसलिए खाते हैं क्योंकि आपके इमाम ने उसको हलाल कर दिया है। तो गोया आपने अपने इमाम को अपना रब बना लिया, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में कहता है, और उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया, अपना अल्लाह बना लिया। तो एक एक भाई मतलब वो होते हैं साहबी होते हैं जो पहले ईसाई होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमने तो अपने जो आलिम थे, उलमा थे, पादरी थे, उनको अपना अल्लाह नहीं बनाया था। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारे आलिम लोग जब कहते थे कि हाँ ये चीज करना हलाल है तो तुम उसको क्या मानते थे, उन्होंने कहा हलाल मानते थे। उन्होंने कहा जब तुम्हारे जो आलिम दीन थे वो लोग कहते थे ये फला चीज मतलब भाई ये एकदम हलाल, एकदम मतलब भाई वो हराम है, तो आप इसको क्या मानते थे, उन्होंने कहा हराम मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ गोया कि तुमने उनको अपना अल्लाह बना लिया। तो इससे क्या साबित हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कौन होते हैं हलाल करने वाले, हलाल तो अल्लाह ने भाई जो उसूल थे बयान कर दिया, और उस उसूल को अल्लाह के नबी ने हम तक पहुंचा दिया। उस उसूल के हिसाब से जो जो जानवर शामिल होंगे हम उसको खाएंगे। अब इसमें मेरे भाई इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बीच में कहां से आ गए। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कौन सी किताब में पढ़ा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा है कि भैंस खाना हलाल है, क्या आपने आज तक अपनी आंखों से पढ़ा? नहीं मौलाना, मैं हमारे वहाँ पर मौलाना बोले उसलिए मैं सुन के आपको बोल रहा हूँ। तो यही तो बता रहे हैं ना, आपने अपने असल में आप लोग तकलीफ मेरे भाई किसकी करते हो, आज के जो आपके मौलाना उनकी तकलीफ करते हो या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की करते हो? आप लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ हमारे मौलाना सुनाते यहाँ पर मस्जिद के अंदर। अच्छा, तकलीफ मतलब भाई सुनाई भी जाती है? अभी तक तुम सोचे थे कि जो मतलब तकलीफ है वो होती है, की जाती है, अब आपसे माशाल्लाह पता चला जो तकलीफ है वो सुनाई जाती है। क्या यार दिन का मजाक है भाई, हमारी ऊपर हल्दी आप लोग, जैसे कि मैं बोला आपको भैंस के बारे में हदीस का बोल दो, आप हदीस नहीं बता रहे हैं। और अरे भैंस जो है मैंने आपको हदीस नंबर भी नहीं दिया आप मेरे को। अरे अल्लाह के हदीस बोले आप, अरे अल्लाह के बंदे मेरे प्यारे भाई, भैंस का तो नाम जो है वो जामुस अरबी में, ये अरबी अल्फाज आपको ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। आप इसलिए खाते हैं क्योंकि आपके इमाम साहब ने हलाल किया, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये अल्लाह के नबी की जो हदीस है उनसे जो उसूल साबित हो रहे हैं उस उसूल के हिसाब से हम खा रहे हैं। हम उसूल की इत्तबा करते हैं, आप अपने इमाम को अपना रब मान के उनकी अंधी पैरवी करते हैं। आप नहीं बात कुछ भी नहीं बोले जनाब मौलाना, आप नहीं बात कुछ भी नहीं बोले इसके अंदर, आप नहीं बात क्या पेश करे हमको बोलो, जो उसके सर के दांत रहते उसको खाओ बोले उतना ही बोले, आप नहीं बात क्या बोले इसके अंदर, हमारे को नहीं बात समझ में नहीं आ रही। तो उसूल मेरे भाई बयान हो गया ना, जो जो मवेशी जानवर हों, जिनके दांत चपटे हों, जो मेरे भाई जो शाकाहारी हों, जो मांस ना खाते हों, जो शिकार ना करते हों, जो दरिंदे ना हों, ऐसा अगर कोई जानवर है तो आप मेरे भाई खा सकते हैं। तो उसूल बयान हो गया ना, तो जो भैंस है भाई ना तो घोष खाती है, भैंस भी भाई शाकाहारी जानवर है। नहीं मौलाना, आप कौन से हदीस का नंबर बोले, ये अबू दावत हदीस बोले नंबर बोलो। अरे नंबर क्या याद रहते हैं क्या हर आदमी को, मैं कैसा यकीन करना आपकी बात को? अच्छा अपने मौलाना की तो बात बिना दलील के मान लोगे आग बन करके, और हम तुमको हदीस की किताब का हवाला दे रहे हैं तो खाली हदीस नंबर न होने की वजह से तुम उसको मानोगे नहीं? यहाँ पर हम लोग अहले सुन्नत है, हम लोग जैसे कि किसी की वादियों की अहले सुन्नत नहीं ना, अहले सुन्नत तो अहले हदीस है, ये तो गौसे आजम ने कहा है, पीरों के पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्ला ने अपनी किताब गुनियतुत तालबीन के जिल्द एक सफा नंबर 166 पे पहले ही फरमा दिया था कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। तो अगर आप अहले सुन्नत हैं तो आपको अहले हदीस बनना ही पड़ेगा, अहले हदीस से अगर आपको नफरत है तो आप अहले सुन्नत हो ही नहीं सकते। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बहुत इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी बात भाई साबित है किताबो सुन्नत से हम उसको मानते हैं, लेकिन हम भाई हम तकलीद नहीं करते हैं।
क्योंकि मौलाना साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हक पे थे या नहीं थे, वहाँ ना मैं जवाब दीजिए। बिल्कुल वाले बोल रहे हैं इमाम अबू हनीफा भी हक पे नहीं है बोल रहे हैं। अरे भाई वो पता नहीं कौन जाहिल आपको मिल गया होगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हक पे थे, उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी कोई बात, मेरा कोई फतवा, मेरा कोई राय, मेरा कोई कयास अगर भाई किताबो सुन्नत के भाई उलट आए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना। तो हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कोई भी ऐसी बात आ जाती है जो कुरान हदीस से भाई टकराती है तो हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात को प्यार से छोड़ के हम अल्लाह और अल्लाह के नबी की भाई जो बात है उसको मान लेते हैं। इसमें कौन मतलब ये कौन सा उसूल है कि नहीं, अगर हम इमाम को मान रहे हैं तो उसकी सारी बातें मानो। अगर सारी बातें मानना जायज होता तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, इमाम अबू यूसुफ रहीमुल्ला और इमाम मोहम्मद रहीमुल्ला, उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहीमुल्ला अपने उस्ताद से, अपने टीचर से 66% मसले में इख्तलाफ किया। तो जब वो इख्तलाफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इख्तलाफ कर सकते? इल्म की बुनियाद पे इख्तलाफ होता है, ये मसलक परस्ती की बुनियाद पे जो इख्तलाफ होता है ना वो तो शैतानी इख्तलाफ है, लेकिन जो इल्म की बुनियाद पे भाई जो इख्तलाफ होता है उसमें रहमत है। समझाइए सुन रहा हूँ। हाँ तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, आप आराम से इल्म हासिल कीजिए, और जो भी मौलवी मुल्ला है कोई भी कुछ कहता है कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ऐसा कहा तो फौरन भाई उनसे कहिए हाथ को गिराने को बिल्कुल सुनता आपके बात है। आपके बात देखिए मौलाना, आपके बात बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन यहाँ के हमारे मौलाना लोग बोलते हैं वहाँ भी उनकी बात नहीं सुनना, नहीं मानना, वो लोग घुला देते बोल रहे हैं। आप वैसा ही तो वहाबी की बात आप ना सुनो ना, हम वहाबी थोड़ी ना है, हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस है ना, कुरान हदीस वाले। अब कोई इंसान आपको अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात बता रहा है तो क्या आप उसकी बात को मेरे भाई आप इनकार कर दोगे, सुनोगे नहीं? ये इसलिए आपके मौलवी मुल्ला कहते हैं क्योंकि जानते हैं अगर भाई, अगर हमारी जो आवाम है अगर भाई वो डायरेक्ट कुरान और हदीस तक पहुंच जाएगी तो बीच में जो हम उनको बेवकूफ बना के जो पैसा लूट रहे हैं, खाना लूट रहे हैं, जो हलवा है, मलिदा है, चोंगा है, खिचड़ा है, बर्फी है, जो हमको खाने को ठूसने को मिल रही है, तो वो बंद हो जाएगी। इसलिए आप लोग से कहते हैं कि जब भी कोई भाई किताब सुन्नत की बात करे तो कानून में लूट लेना। आप हमारे ऊपर ऐसा तोहमत लगा रहे हैं, हमारे पैसा हम दावत कर ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, तुमको बाहर से पैसा आ रहा ना भाई? बाहर से पैसा आ रहा है मेरे को बताओ ना, कौन मेरे को बाहर से पैसा दे रहा है? आज तक बाहर से पैसा नहीं आया भाई, मेरा अकाउंट देख लो, देख लो यार, आप इजराइल से पैसा आ रहा है, दुबई से पैसा आ रहा है, सऊदी से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया। उन सबको फोन करके बोलो ना मेरे को भी पैसा देना भाई, सबको पैसा मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को भी पैसा चाहिए भाई, पैसा के किसी नहीं को काम नहीं, क्या यहाँ सबके मौलाना यहाँ पर हमारे बरेली वाले, अहले बरेली वाले सब लोग बोल रहे हैं कि बाहर से सऊदी से उन लोगों को और यहाँ बरेलियत खत्म करने के लिए। अच्छा बताइए भाई, बरेलियत खत्म करने के लिए पैसे की क्या जरूरत है? कोई हम सबके नाम किस भाई, हम भाई वो हम जो सुपारी होती है सुपारी थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो कुरान हदीस उनके सामने पढ़ेंगे, बरेलियत ऑटोमेटिक मेरे भाई खत्म हो जाएगी, निस्तो नाबूद हो जाएगी, क्योंकि बरेलवी का हर अकीदा वो कुरान की आयतों के खिलाफ है, बरेलवी का हर अकीदा वो अल्लाह के नबी के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमें अगर उनको खत्म करना है तो हम किताबो सुन्नत पढ़ेंगे ना, ना कि हम भाई बाहर वाले देशों से पैसा लेके उनके नाम किस भाई हम सुपारी देंगे। क्या कभी आपने ये सुना कि किसी अहले हदीस ने बरेलवी की मस्जिद से अटैक किया हो, या कभी किसी बरेलवी को मारा हो, या कभी किसी के नाम की भाई मतलब भाई सुपारी दे दी हो? यहाँ तो बरेलवी लोग भाई अहले हदीसों के नाम का पूरा पान खा लेते हैं, सुपारी तो दूर की बात है, मिल जाए तो मार काट कर दें, तो इतने तो जाहिल लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं इल्म के मैदान में हम जीत नहीं सकते। तो अब क्या करना है, बस या अली अल मदद का नारा लगा के बस मारपीट चालू कर दो। यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत की दावत है तो अहले हदीस भी आके खा रहे ना फातिहा दिए तो। अरे भैया जो खा रहा है वो गलत कर रहा है ना, वो अहले हदीस नहीं होगा, अहले रुपीज होगा, अहले हदीस अलग होता है, अहले रुपीज अलग होता है,
वो रुपए पैसे खाने पीने के लालची होंगे, और अहले हदीस जो होता है वो सिर्फ भाई किताब सुन्नत की रोशनी में दीन पे चलता है। तो आपने किसी अहले हदीस को देख लिया होगा, अहले हदीस को नहीं देखा? मौलाना साहब आप मेरे को अबू दाऊद की हदीस का एक बार नंबर दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मैं शाबान भाई को दे दूंगा, ठीक है। अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। और मेरे भाई भैंस इतना बड़ा मसला नहीं है। हम कह रहे हैं अगर कोई इंसान, अगर कोई मेरे भाई मुस्लिम ईमान वाला, अगर वो जिंदगी में कभी भैंस ना खाए तो भी इंशाल्लाह अगर उसने भाई अच्छे काम किए हैं, अकीदा तौहीद पे होगा तो वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन खाली भैंस खाता है और उसके साथ भाई शिर्क करता है तो फिर वो चाहे भैंस खा ले, चाहे उसके इमाम ने हलाल किया हो या हराम किया हो, वो कुछ भी कर ले, वो जन्नत में जा नहीं पाएगा। तो भैंस इसका बड़ा मसला नहीं है। ठीक है मौलाना, यहाँ पर बरेली वाले जो भैंसा काट रहे हैं और उसका गोश्त अहले हदीस वाले खा रहे हैं, फिर उसके बारे में क्या बोलते आप? भाई देखिए, कुर्बानी पहली चीज तो हमारे नजदीक जो भैंस है, मौलाना सुनिए आप मेरी बात, समझिए नहीं मौलाना आप। भाई पहली चीज तो मैं मौलाना नहीं हूँ मेरे भाई, आप मुझे अफू भाई बोलिए, अपना छोटा भाई बोलिए, कुछ भी बोलिए। मौलाना मेरी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे ऐसे मेरे भाई नाकिस इंसान को मौलाना कहें। नहीं मौलाना, हमारे यहाँ पर कोई अच्छी बात बोलते हैं, कोई हदीस सुनाते हैं तो हम उनको इज्जत से मौलाना कहते हैं। अच्छा इज्जत दे रहे हैं तो चलिए ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जैसे कि बरेली वाले ही गोश्त की दुकान लगाते हैं, उन्होंने हलाल करते हैं, फिर आप वहाँ भी लोग आके खा रहे हैं, फिर हमको मुसलमान नहीं करें, फिर हम काटे तो खा रहे ना। भैया देखिए, अब आपको इसका छोटा सा मसला बता रहे हैं, अगर कुर्बानी के जानवर में भैंस को अगर मेरे भाई कोई काट रहा है, जिबा कर रहा है, तो भैंस जो है भैंस हम आपकी बात समझ गए, वही बताने जा रहे हैं, सुन तो लीजिए। मैं कुर्बानी की बात नहीं कर रहा हूँ मौलाना, आम दिनों की बात कर रहा हूँ। आम दिन की भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, कुर्बानी की भी बता रहा हूँ, मैं दोनों बातें आपको एक साथ बता रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अहले सुन्नत अहले हदीस से बात कर रहे हैं, आपको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी कंडीशन बता के जवाब देंगे ना, ताकि मतलब आपका खाली मेरी बात नहीं भाई, वरना मेरी बात एक भी अहले हदीस वाला इतनी अच्छी बात नहीं करेगा, पढ़ते सब लोग यहाँ पर। अच्छा ठीक है, वहाँ के अहले हदीस क्या कर रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है देखिए, अगर कुर्बानी का अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला भाई, हमारे कौन से झगड़ा भाई को हमारे बच्चों को जो कहा कि क्यों भटकाना उन लोगों। अच्छा ठीक है मेरे भाई, अगर कोई आपके बच्चों से कह रहा है कि भाई उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, तो क्या आपके बच्चे लोग क्या मेरे भाई भटक जाएंगे दीन से? वो तो दीन पे आ जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर बरेली खत्म हो जा रही, कई लोग उसमें मिल जा रहे जाकर। हम कह रहे हैं बरेलवियत पूरी मेरे भाई खत्म हो जाए दुनिया से, एक भी मेरे भाई बरेलवी ना बचे, एक भी देवबंदी ना बचे, एक भी कादियानी ना बचे, एक भी शिया ना बचे, लेकिन एक ईमान वाला पहले तो बचना चाहिए। हमारे साथ मुखालिफत कर रहे हैं आप बात को। अच्छा सुन तो लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे रहा था जो आपने कहा था कि जो वो भैंसे का गोश्त काटते हैं तो वहाबी लोग आते हैं खाने, तो उसका जवाब तो सुन लीजिए। अगर कुर्बानी का वक्त है तो इसमें क्या मसला है, और गैर कुर्बानी का वक्त है तो इसमें क्या मसला है? मतलब आप मेरे भाई कसम खा के फोन किए कि बोलने नहीं देंगे? नहीं मौलाना, पहले मेरी बात को आप समझ रहे नहीं। हम समझ गए मेरे भाई, मेरा जवाब तो सुनने दीजिए, आधी लाइन बोलता हूँ आप बीच में टोक देते हो मेरे भाई, थोड़ा अखलाक से अदब से बात कीजिए। अरे मौलाना साहब सुनिए, मौलाना साहब यहाँ पर हमारे बरेली वाले रोज जैसे कि भैंस काट रहे हैं और उसका गोश्त बेच रहे हैं, तो आप लोग ले जाके खा रहे हैं, फिर आप हमको मना करते हैं, मुसलमान नहीं बोलते हैं, फिर वो हलाल कैसे होता आपको? हम हलाल करें तो हलाल नहीं होता बोल के बाद लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसकी वजाहत कीजिए मौलाना। ठीक है इसी की बता दे रहा हूँ, अब बीच में आप ना बोलिएगा, चाहे कुर्बानी हो या कुर्बानी के अलावा हो। ठीक, अब कुर्बानी का मसला क्या है भाई, हमारे नजदीक जो मेरे भाई जो जानवर है कुर्बानी के, उसमें जो जानवर से भैंस नहीं है तो इसलिए हम भैंस की कुर्बानी को जायज नहीं समझते हैं, लेकिन बाज लोगों ने फतवा दिया है कि जायज है। अब आते हैं आमतौर पे, अगर कोई बरेलवी है या देवबंदी है, अगर उसकी गोश्त की दुकान है
और वो वहाँ पे भाई वो अपना भैंस को काट के बेचता है उसका गोश्त। तो अगर कोई भाई पहले हदीस होता है, अगर वो जाता है दुकान पे खरीदता है तो उसका खाना जायज है कि नाजायज है? तो बिल्कुल जायज है जी मौलाना, क्योंकि जो भी काटता होगा वो भाई ये तो बोलता होगा ना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अगर वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के काटता होगा तो उसने अल्लाह का नाम लेके काटा जी भैया क्या, ठीक, तो वो हमारे लिए हलाल है। और बरेलवियों को देवबंदियों को हम काफिर भाई हम नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं बेशक भाई वो भाई हमारी उम्मत के भाई है, मुसलमान है, लेकिन भाई वो गुमराह मुसलमान है, उनको कभी इस्लाम से खारिज हम लोग ने भाई नहीं किया है। जो इंसान कहता है कि बरेलवी देवबंदी दोनों काफिर है तो वो जो मेरे भाई कुफर है वो उनके ऊपर लौट किया जाएगा, काफिर नहीं है वो गुमराह मुसलमान है, लेकिन है तो अपनी उम्मत के भाई ना, हम उनकी इसलाह करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि उनकी दुकान से हम सामान खरीदना बंद कर दें या उनसे बातचीत करना बंद कर दें या उनसे मिलना जुलना छोड़ दें या उनका मेरे भाई जो जबिया का जानवर है उसको मेरे भाई खाना चाहिए। मौलाना उसमें झगड़ा नहीं है हमारा, उसमें झगड़ा नहीं है। ये अहले हदीस वाले उनके लड़कियां जो है कि हमारे लड़कों को नहीं दे रहे हैं, हमारी लड़कियों को कल्ले को जा रहे हैं। अब देखिए ये तो माँ बाप का फैसला है कि वो अपनी बेटी को कहाँ देंगे। अब मेरी बेटी होगी तो मैं भी चाहूंगा कि मैं अपनी बेटी को मतलब ऐसी फैमिली को दूं जहाँ पे भाई शिर्क और बिदात ना होती हो। लेकिन बरेलवी और अहले हदीस का निकाह होना जायज है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अहले किताब से भी निकाह होना जायज है। तो बरेलवी की बेटी को हम ला सकते हैं, वो भी मसला रहा, वो भी मसला रहा भाई, हमारी लड़कियों को आपको दे देना, आपके लड़कियों को भी हमारे को दो। तो मेरे भैया आप अपनी बेटियों को दे रहे हैं तो हम उनको तालीम भी तो दे रहे हैं, उनका अकीदा भी तो ठीक कर रहे हैं, किताब व सुन्नत पे तो उनको ला रहे हैं, जो औलादे हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नस्लें आगे बढ़ रही है सब किताब व सुन्नत पे आ रही है। और अगर हमने अपनी बेटी आपके वहाँ दे दी तो वो तो बेचारी दरगाह मजार आस्ताना इनमें ही नाचती रहेगी, तो मेरे भाई तौहीद का क्या होगा? जी जी बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत अच्छी बात करें आप। चलिए भाई ठीक है, रखें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, भैंस का आप खाइए, लेकिन खाइए कि अल्लाह ताला ने हलाल किया है, अल्लाह के नबी ने हलाल किया है, इमाम ने हलाल नहीं किया। इतनी अच्छी बात करते बोल के मैं नहीं समझा मौलाना आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है आप, इतनी अच्छी बात करते बोलकर नहीं समझा मैं। वहाँ भी बोलते हो यहाँ पर सब लोग जो है कि बेवकूफ होते हैं ऐसा ऐसा बोले, लेकिन आपकी बात में मेरे को बहुत अच्छी दिखी मौलाना जी। जी वो बातें अलग हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। भाई देखिए बाज मरतबा क्या होता है ना, आप अपना अंदाज रखेंगे सख्त तो बाज जो सामने वाला होगा वो भी अपना अंदाज भाई रखेगा सख्त, लेकिन मेरे अंदर ये चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तो मैं उससे ज्यादा नरमी से आपसे बात करूंगा। जी मौलाना ये हजरात से जो कल से मेरे को बहस हो रही थी भैंस के ऊपर, आप हमारी वजाहत करें, माशाल्लाह हमको बहुत अच्छा दिखा, अल्लाह आपको जज़ाकअल्लाह, आपको उम्र में बरकत दे, आमीन आमीन। ठीक है मेरे भाई, अगर आप बरेलवी है तो बरेलवी ही रहिए, देवबंदी है तो देवबंदी रहिए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मेरे भाई किताब भाई अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की भाई जो सुन्नत है वो सामने आ जाए तो आपको अपने मसलक को बाप दादा के दिन को नहीं देखना है, सिर्फ आपको भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के दिन पे अमल करना है। आप एक अच्छे बरेलवी रह के भी इंशाल्लाह जन्नत में जा सकते हैं, बस अकीदा जो आपका हो वो भाई आपका भाई अहले सुन्नत वाला हो, ये ना हो कि हम बरेलवी है तो अपने इमाम अहमद रजा खान आला हजरत का अकीदा रखेंगे, तब तो बेड़ा आपका मेरे भैया एकदम भाई समझ लीजिए नैया आपकी डूब गई। लेकिन अगर आप खुद को बरेलवी कहें या देवबंदी कहें या 24 नंबर कहें या 22 नंबर कहें उससे मतलब नहीं है, अकीदा अगर आपका तौहीद पे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं, नाम से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अमाल से जन्नत में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर ईशा का टाइम भी नजदीक आ रहा है। जी जी चलिए नमाज पढ़े। हाँ शाबान भाई कहाँ गए? हम लोग 17 रकात पढ़ते मौलाना, आप कितनी रकात पढ़ते? क्या चीज? हम लोग ईशा की नमाज 17 रकात पढ़ते यहाँ पर मौलाना, आप थोड़ा इसकी बता दीजिए, 2 मिनट में बोल दीजिए मौलाना। देखिए आप ईशा की नमाज अगर पढ़ने जा रहे हैं तो अल्लाह के नबी के जो दौर में पढ़ी जाती थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब आज आप कितनी पढ़ रहे हैं, 17 पढ़िए या 70 पढ़िए आपकी मर्जी है। अल्लाह के नबी के दौर में 4 रकात होती थी फर्ज और 2 रकात होती थी भाई सुन्नत मौकदा, ठीक। अब अगर आप चाहें तो ईशा से पहले जो आप पढ़ते हैं 4 रकात उसको भी पढ़ सकते हैं,
इसको बोलते हैं सुन्नत भाई, मतलब वो क्या बोलते हैं, गैर मौकदा। तो ये गैर मौकदा है, अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, और छोड़ देंगे तो आप आपके ऊपर कोई मतलब भाई आजाब नहीं आएगा, गुनाह नहीं पड़ेगा। ठीक जी मौलाना, लेकिन जो सुन्नत मौकदा है वो हमेशा छोड़ रहे हैं तो आप मेरे भाई गुनाहगार होंगे। मौलाना बहुत अच्छी बात करे आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करे, अल्लाह आपके। अरे शाबान भाई कहाँ गए? हाँ शाबान भाई देखिए, किसी से भी अगर आप बात करते हैं तो फालतू मतलब भाई वो बहसबाजी ना क्या कीजिए, उसको समझाने की कोशिश क्या कीजिए। ठीक है, हर जगह अल्लामा बनने के अपन लोग को कोई मतलब भाई ऐसी बात नहीं। मौलाना यहाँ पर अजान भी हो रही है, देख रहे आप? जी जी, आप फोन काट दीजिए, आप फोन काट दीजिए भाई, आप जाइए नमाज पढ़िए। नहीं मौलाना, दो तीन मिनट बात कर सकते मेरे, वो अल्लाह के फजल से करीब है मस्जिद। जी जी जी, तो हम ये कह रहे हैं शाबान भाई, जब भी आप मेरे भाई किसी से बात करते हैं तो पहले प्यार से उसको समझाने की कोशिश क्या कीजिए। ठीक है, हर जगह खाली ये ना सोचा कीजिए कि हम अहले हदीस हो गए तो बाकी तमाम लोग मेरे भाई एकदम वो हैं, गुमराह हैं। क्योंकि पहले हम लोग भी भाई क्या थे भाई, हम लोग भी तो अंधकार में थे ना, बाद में अल्लाह ने हम लोग को हिदायत दी ना, तो वैसे सामने वाले को भी समझिए कि जहाँ पहले भाई हम थे वही आज वो खड़ा है। आपने कोई उनसे बात कराई है तो हमने कहा ठीक है मैं अपने भाई से। अरे आप मेरे प्यारे भाई, आप पहले जो बात करे थे भाई वो तकलीद हम अल्लाह के रसूल की करते हैं, बोले यहाँ के हाले क्या बोल रहे तकलीद बोल रहे। अब आप भी जो है कि पप्पू भाई आप भी बोल रहे तकलीद हम नहीं करते, बोले पप्पू भाई नहीं अप्पू। हाँ ठीक है, पप्पू बोले अप्पू बोले कोई बात नहीं है, वो हमारे भाई है, शौकुन माफ है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है शाबान भाई, फिर आप भी रखिए। ठीक है भाई, आपका आपका नाम क्या है भाई? मेरे को नहीं मालूम, इनोज को लेते पप्पू बोल के, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बुरा लगे तो बात का। अरे नहीं कोई बात नहीं भाई, बुरा नहीं लगे, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है भाई। ठीक है ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरे को यही भी मालूम होना था, इन्होंने क्या कहा तकलीद अल्लाह के रसूल की करते हैं, बोले यहाँ के गलती हो गई, चूक हो गई, तकलीद दीन इस्लाम में है नहीं। लेकिन जो तकलीद का लुगवी माना होता है वो होता है पैरवी करने के, अगर इस माने में इन्होंने कहा है। मैंने कल से बुमरा मार के पूछ रहा था तुम्हारे अच्छे आलिम को, बोलो तकलीद जो है आपको इब्तिदा है कि नबी की इब्तिदा करो, वतीउल्लाह रसूल। अच्छा एक मिनट, दोनों लोग चुप हो जाइए, मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में। ठीक है दोनों लोग चुप हो जाइए। देखिए इत्तबा जो होती है वो अलग होता है, और इत्तबा का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं भाई तकलीद। इत्तबा जो होती है भाई वो दलील के साथ होती है, और जो मेरे भाई जो ये तकलीद होती है ये बिना दलील के होती है। इन दोनों में ये फर्क है जमीन आसमान का। ठीक है, बात कर मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है अल्लाह के फजल से। जी जी चलिए ठीक है, अच्छा रखते हैं, ओके अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह आपके आने वाले आफतों को भी दूर करे अल्लाह। आमीन आमीन।